हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषि। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन टी के बारे में बहुत ही डिटेल में, और इस वीडियो के को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ग्रीन टी के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे रेगुलर टी और ग्रीन टी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों सेम ही प्लांट से आते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, उनकी प्रोसेसिंग में। एक अगर हम उसे ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं तो वो हमारा रेगुलर टी बन जाता है, और अनऑक्सीडाइज्ड स्टेट में छोड़ देते हैं तो वो हमारा ग्रीन टी बन जाता है। अब इसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो रेगुलर ब्लैक टी है वो भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जिस तरह से हम उसे बना रहे होते हैं। हम उसे मिनटों तक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, उसमें दूध चीनी वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो हमें मतलब वो बेनिफिट्स नहीं दे पाता। और ये सब चीज़ें हमें ग्रीन टी में नहीं करनी होती, मतलब हम उसे मिनटों तक बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दूध चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, तो इसीलिए वो हमें मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स दे पाता है। अब बात कर लेते हैं राइट रीज़न टू ड्रिंक ग्रीन टी। मैंने थंबनेल में ये चीज़ लिखी है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत चीज़ मतलब बहुत लोगों के द्वारा ये सुनने में आ जाता है कि ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, और वेट लॉस करने के लिए ही ग्रीन टी पीना चाहिए। अगर आप वेट गेन में हो तो आप ग्रीन टी नहीं पी सकते वगैरह वगैरह, जैसे बातें चलती रहती हैं। तो ये बातें गलत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेट लॉस नहीं होता ग्रीन टी पीने से, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि एक मैजिक पोशन है, और वो सोच के स्टार्ट करते हैं कि भाई 10-15 दिन में मैं पतला हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, मैं क्लियर कर देता हूँ। ग्रीन टी तभी वर्क करता है जब आपकी डाइट ऑन पॉइंट हो। मैं समझा देता हूँ। मान लो जैसे ग्रीन टी में स्टडीज़ में पाया गया है ग्रीन टी पीने वाले लोग 3-4% कैलरीज ज़्यादा स्पेंड कर पाते हैं, मतलब उनकी कैलरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आम इंसान है, वो 2000 कैलरीज दिन के बर्न कर रहा है और 2500 कैलरीज खा रहा है। अब वो ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर देता है सोच के कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा। भाई वेट लॉस कैसे हो जाएगा? अगर मान लिया जाए कि आपका एक्सपेंडिचर 3-4% बढ़ भी गया, तो कितना बढ़ा आप खुद सोच के देखो। 70-80 कैलरीज अगर ज़्यादा बर्न कर रहे हो तो मतलब तब भी तो 2100 ही हुए, और आप खा तब भी 2500 रहे हो, तो उस केस में वेट लॉस कभी भी नहीं होगा, उनका वेट गेन होता ही जाएगा। अब वो देखेंगे कि जब मेरा वेट गेन होता जा रहा है, मेरा वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा ग्रीन टी से, तो फिर वो डिसअपॉइंटेड होके ग्रीन टी पीना छोड़ देंगे। इसलिए रीज़न बहुत ज़रूरी है। आपको जानना है कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हो, आई मीन द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है? तो इसलिए अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने डाइट को नहीं सुधार के सिर्फ ग्रीन टी पीना स्टार्ट करने वाले हो ये सोच के कि वेट लॉस हो जाएगा, नहीं, और वो रीज़न होना भी नहीं चाहिए ग्रीन टी पीने का। ग्रीन टी पीने का रीज़न होना चाहिए ओवरऑल हेल्थ। ग्रीन टी में क्या है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है? वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं उनसे फाइट करता है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और यही रीज़न है कि मैं सालों भर ग्रीन टी पीता हूँ, वेदर आई एम इन फैट लॉस और आई एम इन मसल बिल्डिंग। तो और यही मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रीन टी पीने से ऐसा नहीं है कि आपका वेट गेन नहीं हो सकता और समथिंग। अगर आप फिटनेस में हैं तो आम इंसान के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा, उनको आई मीन दे आर नॉट इन दिस प्रोसेस ऑफ वेट गेन, आई मीन मसल बिल्डिंग और फैट लॉस। सो जो फिटनेस में है उनको भी यही समझा दिया जाता है कि भाई अगर आप वेट गेन में हो तो ग्रीन टी मत पियो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको रेगुलर ग्रीन टी पीना चाहिए फॉर द हेल्थ बेनिफिट इट ऑफर्स। तो
एक कंपाउंड पाया जाता है पॉलीफिनॉल, पर्टिकुलरली ईजीसीजी नाम का। और जितने भी आप हेल्थ बेनिफिट सुनते हो ग्रीन टी देता है, वो इस मोस्ट ऑफ देम इसके कारण है, इस कंपाउंड के कारण। एपिगैलो कैटिजिन गैलेट, आई मीन नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आई मीन इस फील्ड में हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो कंपाउंड है, ये आई मीन पर्टिकुलरली नोन है फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, और यही रीज़न है कि ग्रीन टी मैं हर इंसान को पीने के का सजेस्ट करूँगा, वेदर वो फिटनेस में है, उनकी एज कोई भी हो। अब जैसे अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि जैसे कई स्टडीज़ या कई लोग बोलेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है या वगैरह वगैरह। तो मैं कहूँगा कि यार देखो, हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना वो फार आउटवे इट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान नहीं देके, इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो एनीवे, अब बात कर लेते हैं कि लोग इसे नहीं पीना प्रेफर करते आम इंसान, क्योंकि ये उनके बजट में नहीं आता। आप नॉर्मली कभी भी शॉप पे जाओगे तो देखोगे टी बैग वाले ग्रीन टी मिलेंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल खुले पैकेट आई मीन खुले में जैसे हमारा रेगुलर टी मिलता है, उस तरह से ये ग्रीन टी नहीं मिलता। तो और वो जो टी बैग्स हैं वो हमें 5 रुपये 6 रुपये कॉस्ट करते हैं एक टी बैग। तो अगर लोग आई मीन चाहेंगे कि मैं 2 दिन में 2 बार पीऊँ ग्रीन टी सुबह और शाम, तो 10 से 15 रुपये खर्च हो जाते हैं और वो आई मीन बजट से बाहर हो जाता है कि भाई मैं सिर्फ चाय पीने में 10 से 15 रुपये डेली का खर्च कर रहा हूँ, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं दो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, आप उनको जाके चेक करो। एक होगा हमारा फ्लेवर्ड ग्रीन टी का लिंक और दूसरा होगा अनफ्लेवर्ड। अनफ्लेवर्ड मतलब इट विल बी प्लेन, नो देर विल बी नो एडिशन ऑफ एनी अदर एलिमेंट सब्सटेंस इन इट, इट विल बी प्योर ग्रीन टी। और जो फ्लेवर्ड होगा उसमें फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं दूसरे सब्सटेंस ऐड करके, जैसे तुलसी जिंजर लेमन, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। मैं पहले तुलसी जिंजर ग्रीन टी पी चुका हूँ और मुझे उसका टेस्ट वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी। लेकिन अब मैं अनफ्लेवर्ड पीता हूँ क्योंकि आई हैव गॉट एक्वेंटेड। तो एनीवे, जो लोग बिगनर हैं या जिनको पसंद नहीं आता ग्रीन टी का टेस्ट, वो ज़रूर से ज़रूर लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाके फ्लेवर्ड ग्रीन टी ट्राई करें। फ्लेवर्ड ग्रीन टी मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा अनफ्लेवर्ड से। अनफ्लेवर्ड का कॉस्ट मैं बता दे रहा हूँ पर कप 1 से 1.5 रुपये आएगा, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप दिन के 2 या 3 कप भी पीते हो तो विद इन 5 रुपीज़ यू आर डन। इतने तो आपके रेगुलर टी में भी आप खर्चा करते ही हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ग्रीन टी को एक ट्राई दें, उस रेगुलर टी के जगह आप ग्रीन टी पीने की हैबिट डालें, डेवलप करें। और देखिए, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है। आप कृपया जब स्टार्ट करें तो ये सोच के नहीं स्टार्ट करें कि 3 4 दिन में मुझे कोई चेंज दिखने लगेगा, लेकिन रेगुलर पिए और अपने आप पाएंगे महीनों बाद, ठीक है, कि भाई मुझ में अलग चेंजेस नज़र आ रहा है, मतलब मेरी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हुई है। मैं उतना अब बीमार नहीं पड़ता फ्रिक्वेंटली जितना मैं पहले पड़ता था। तो काइंडली मेरी सजेशन माने और ट्राई करके देखें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।